निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रखते हुए 15 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया। मुकेश सिंह निर्भया का दोषी, इसकी फांसी की सजा आज बरकरार रखी गई है। पवन गुप्ता दूसरा दोषी, इसकी भी फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। कुल 4 गुनहगार इस पूरे मामले में, कुल 6 आरोपी थे जिनमें से एक बाल सुधार गृह से बाहर आ चुका है, एक की मौत हो गई। विनय शर्मा एक और गुनहगार निर्भया का, इसकी भी फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अक्षय ठाकुर, इसे भी फांसी की सजा सुनाई गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला, आइए सुनते हैं इस फैसले पर रंजना कुमारी क्या कह रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला किया है। हम सब लोग आज इस बात से निश्चिंत हैं कि देश की महिलाओं को न्याय मिलेगा। आज न्याय मिला है, निर्भया को न्याय मिला है, जो कि देश की तमाम महिलाओं को न्याय मिला है जो इस संघर्ष में, उन तमाम लोग जो कि इंडिया गेट पर उस दिन थे और आज तक इंतजार कर रहे थे, 5 साल के लंबे अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जज कि बेंच ने कहा कि चारों के चारों अपराधी जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया उनको देश की जो सबसे सबसे कड़ी सजा है फांसी की सजा, वो दी जाएगी। आज हम लोगों को लगता है कि हमारा संघर्ष, हमारा निर्भया के लिए न्याय की पुकार सुनी गई है। तो निर्भया केस में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया और हर कोई इसका स्वागत कर रहा है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर दिल्ली पुलिस हो। निर्भया के मां बाप की प्रतिक्रिया भी हमने आपको बताई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो बर्बरता थी निर्भया के साथ वो कुछ इस तरह की गई थी कि रियायत का सवाल ही नहीं उठता, किसी तरह की लीनियंसी कोर्ट नहीं दिखा सकता है और यही वजह है कि निर्भया के गुनहगारों की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है। लोगों के सिस्टम देख करके, 5 साल तो बहुत छोटा समय है, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जहां 34-35 साल तक जाता है कोई निर्णय लेने से पहले घिनौने काम के लिए। तो 5 साल हाँ लंबा समय है, कोई और देश में शायद इतना नहीं होता, लेकिन चलो अब हो गया है। लॉ मिनिस्ट्री और जजों को सोचना चाहिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो 4.5 साल बाद आखिरकार निर्भया को आज इंसाफ मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, निर्भया के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं निर्भया के माता पिता की, जो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त बाहर निकल रहे हैं जबरदस्त जमावड़ा है मीडिया का उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए। और आपको बता दें उनकी पहली प्रतिक्रिया एबीपी न्यूज आप तक पहले ही पहुंचा चुका है। निर्भया के माता पिता ने कहा कि आज न सिर्फ निर्भया को बल्कि पूरे समाज को न्याय मिला है। देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला है। देर है लेकिन अंधेर नहीं, और समाज की हर लड़की को इससे इंसाफ मिला है। न सिर्फ निर्भया को बल्कि देश की हर लड़की को, हर महिला को आज इंसाफ। क्या क्या रहा इस ऑर्डर को लेके, कितना सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, संतोषजनक रहा आपको लगा? सर बद्री जी क्या कहेंगे? अरे बद्री जी आप बोलिए। अरे चलिए तो सही। अरे बद्री जी अभी देंगे तो आप तो ये तो बता दीजिए कि हम बहुत खुश हैं इस विषय में कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज को सुनी, हमारे निर्भया के दर्द को समझा और निर्भया के साथ साथ पूरे देश को न्याय दिया। लेकिन आप ये लगता है कि काफी 5 साल लगभग बीत गए न्याय मिलने में, ये पहले मिला अब कोई गिला नहीं है कि देर लगा, लेकिन देर लगा जरूर लेकिन सही मिला। सर आप लगता है जल्दी 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 से जल्दी फांसी हो जाए, ये तो हमारी चाहत है कि जल्दी से जल्दी हो जाए। आगे आपको लगता है ऐसे केसेस में गिरावट आएगी जो ये हुआ है? बिल्कुल हुआ है, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हम लोगों को, पूरे समाज को मेहनत। निर्भया के पिता बद्रीनाथ को आप सुप्रीम कोर्ट से सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि वो इस फैसले से संतुष्ट हैं, उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है, पूरे समाज को न्याय मिला है। निर्भया को ही नहीं पूरे समाज को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्याय मिला है। फैसला देर से आया लेकिन उन्हें इसकी कोई शिकायत नहीं है। वो चाहते हैं कि फांसी निर्भया के गुनहगारों को जल्द से जल्द मिले
और ये जो निर्भया के गुनहगार हैं इनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अक्षय ठाकुर, इसे भी फांसी की सजा सुनाई गई थी कोर्ट की तरफ से, इसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके अलावा तीन और गुनहगार हैं निर्भया के, जिनकी फांसी को सुप्रीम कोर्ट ने आज बरकरार रखा है। निर्भया के माता पिता ने कहा है कि वो इससे संतुष्ट है। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, 2:03 पर यह कार्यवाही शुरू हुई, जजों ने फैसला पढ़ना शुरू किया। अंकित गुप्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अंकित, निर्भया के माता पिता कोर्ट से निकल गए हैं, अब आगे की राह क्या लगती है आपको? फिलहाल बताना चाहूंगा कि उनकी मदर जो अब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी, वो बाहर आ रही है और फिलहाल चारों तरफ से घिरी हुई है कैमरों से। हालांकि अभी उन्होंने साफ किया है कि वो आकर के जो है सभी लोगों से बात करेंगी, लेकिन हर कोई चाहता है कि उनसे बात किया जाए। हालांकि किसी ने बात नहीं करवाई थी, उनका यही कहना था कि ये एक ऐसा मौका है जब जो है उनके लिए एक राहत थोड़ी सी जरूर लेकर आया है। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी को गवाया है, लेकिन उनका ये कहना है कि अब जो है उनकी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल चारों तरफ से जो है जो भीड़ है उससे उभरी हुई है, हर कोई उनको अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहता है। यहाँ पर जो वकील है वो उनके साथ अपनी फोटो क्लिक करवाना चाह रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वहां तक ले जा सकें, लेकिन अभी वो किसी से बात नहीं कर रही है। अभी वो यही हो रहा है कि एक जगह पर सबसे बात कर और फिलहाल चारों तरफ से घिरी हुई है कैमरों से। हालांकि अभी उन्होंने साफ किया है कि वो आकर के जो है सभी लोगों से बात करेंगी, लेकिन हर कोई चाहता है कि उनसे बात किया जाए। हालांकि हमने एबीपी न्यूज पर आपके उनसे सीधे बात भी करवाई थी, उनका यही कहना था कि ये एक ऐसा मौका है जब जो है उनके लिए एक राहत थोड़ी सी जरूर लेकर आए हैं। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी को गंवाया है, लेकिन उनका ये कहना है कि अब जो है उनकी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल चारों तरफ से जो है जो भीड़ है उससे वो घिरी हुई है, हर कोई उनको अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहता है। यहाँ पर जो वकील है वो उनके साथ अपनी फोटो क्लिक करवाना चाह रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वहां तक ले जा सके, लेकिन अभी वो किसी से बात नहीं कर रही है। अभी वो यही हो रहा है कि एक जगह पर सबसे बात करेंगी वो। हर कोई ये कोशिश जरूर कर रहा है कि उनकी उनकी बात सुन सके, लेकिन हमने जब उनसे बात की है, फोन पे बात कर रहे थे, तो उनका यही कहना था, उनकी जो है एक सुकून देखने को मिल रहा था, क्योंकि पिछले 4.5 साल से लगातार हम इनसे मिल रहे हैं, अदालत आ रही थी तब भी मिलते थे, उस दौरान आंखों में आंसू होते थे, एक उम्मीद होती थी, लेकिन आज वो उम्मीद जो उनकी यहाँ पर थी वो पूरी हुई है, क्योंकि उनकी लंबी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी और अंततः वो सफल हुई और आज इनकी इंसाफ उनको मिला है। हर कोई फिलहाल इस वक्त हम देख सकते हैं कि वो कैमरों से घिरी हुई हैं, उनके साथ में कई सारे वकील हैं जो सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कैंटीन के अंदर भी हमने देखा, परिसर में भी देखा, कोर्ट रूम के बाहर भी देखा और अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वकील भी हैं जो उनके साथ में फोटो क्लिक कर रहे हैं। हर कोई उनसे जो बात करना चाहता है, उनको जो है एक तरीके से सांत्वना भी दे रहा है कि आपने अपनी बेटी को खोया है, लेकिन उनको जो इंसाफ मिला है वो खुशी उनकी आंखों में देखी जा रही है। फिलहाल अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ चुकी हैं। जी अंकित, तो कोर्ट से निकल चुके हैं निर्भया के माता पिता, मीडिया का जबरदस्त जमावड़ा है ये सुनने के लिए कि वो क्या कुछ कहते हैं। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि अब से कुछ देर पहले निर्भया के पिता ने क्या कुछ कहा। हम बहुत खुश हैं इस विषय में कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज को सुनी, हमारे निर्भया के दर्द को समझा और निर्भया के साथ साथ पूरे देश को न्याय दिया। लेकिन आप ये लगता है कि काफी 5 साल लगभग बीत गए न्याय मिलने में, ये पहले अब कोई गिला नहीं है कि देर लगा, लेकिन देर लगा जरूर, लेकिन सही मिला। सर आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी फांसी हो जाए, ये तो हमारी चाहत है कि जल्दी से जल्दी हो जाए। आगे आपको लगता है ऐसे केसेस में गिरावट आएगी जो ये हुआ है? बिल्कुल हुआ है, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हम लोगों को, पूरे समाज को मेहनत। निर्भया के पिता बद्रीनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि देर हुई लेकिन इंसाफ उन्हें मिल गया है, वो संतुष्ट है कोर्ट के फैसले से पूरे देश को आज न्याय मिला है। निर्भया के पिता का यह कहना, कोर्ट ने निर्भया के दर्द को समझा और देर से ही सही इंसाफ उन्हें मिला है और अब उन्हें कोई शिकायत नहीं, इंतजार है फांसी की सजा का कि जल्द से जल्द ये फांसी निर्भया के दोषियों को हो। कोर्ट ने निर्भया के दर्द को समझा, निर्भया के पिता ने कहा, और देर से ही सही लेकिन इंसाफ उन्हें मिल गया है, उन्हें कोई अब शिकायत नहीं है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन दोषियों को फांसी हो। फैसले से पूरे देश को न्याय मिला है, ना सिर्फ निर्भया को, और कोर्ट ने निर्भया के दर्द को समझा, देर से ही सही इंसाफ मिल गया है उन्हें और निर्भया को, और इस फैसले से पूरे देश को न्याय मिला है, ना सिर्फ निर्भया को, पूरे समाज को सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से न्याय मिला है। कोर्ट ने निर्भया के दर्द को समझा और देर से ही सही इंसाफ उन्हें मिल गया है।
फैसले से पूरे देश को न्याय मिला है, निर्भया के पिता ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट ने निर्भया के दर्द को समझा और देर से ही सही इंसाफ मिल गया है और अब वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द निर्भया के दोषियों को फांसी हो। फैसले से पूरे देश को न्याय मिला है। ये जो जीत है ये सिर्फ एक निर्भया और उसके परिवार की जीत नहीं है, ये पूरे देश की सारी निर्भयाओं की जीत है, क्योंकि सब सुप्रीम कोर्ट की ओर इस वक्त देख रहे थे। दिल्ली महिला आयोग इस निर्णय का पूरी तरीके से स्वागत करता है। देर से ही सही, पर अब जो वो दोषी हैं निर्भया के, जिन्होंने उसको मारा, जिन्होंने उसके साथ रेप करा और इतनी बर्बरता से जो सब कुछ हुआ, उनको मौत की सजा सुनाई गई है। मुझे लगता है कि इस निर्णय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने देश की सारी निर्भयाओं को शक्ति प्रदान करी है और सारे रेपिस्ट्स को एक तमाचा मारा है और बोला है कि अगली बार अगर कभी कुछ किसी लड़की के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो ये सिस्टम उसको बख्शेगा नहीं। बहुत स्वागत करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का। मैम, बड़ा मैसेज जाएगा इसके बाद, लगता है आपको? जी, मुझे लगता है एक मैसेज जाएगा सब लोगों में कि कोई भी पूरा का पूरा सिस्टम साथ हो जाएगा अगर तुमने किसी लड़की को गलत निगाहों से देखा। जरूरी ये भी है कि और देश की बहुत सारी निर्भयाएं हैं, कुछ ऐसी भी जो 15-15, 20-20 साल से अलग अलग कोर्टों में जिनके केसेस फंसे हुए हैं, सारे केसेस को इसी तरीके से एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म से अब डील करना चाहिए और हर निर्भया तक न्याय जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। शायद ही किसी महिला पे इस प्रकार का अत्याचार हुआ हो कि जिसने पूरे देश को हिला दिया और सख्त से सख्त इंसान के आंखों में भी आंसू आए और गुस्सा पैदा हो। इस प्रकार की ये घटना थी, पूरा देश उसमें उसे हिल गया था और मतलब जज के आंखों में भी पानी आए। इस प्रकार की ये घटना है और निश्चित ही निर्भया को अजीबो गरीब थी, वैसे ही ये फैसला भी एक बहुत बड़ा। सर, थैंक यू। तो आप इस फैसले के बाद खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं, हम भी खुश हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी खुश हैं। सर, एक चीज बताइए, आज कंप्लीट कैसे फैसला कैसे देखते हैं आप लोग, कितना आईडी? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए निर्भया के पिता को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि पूरे समाज को आज न्याय मिला है और वो खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों की फांसी की सजा को आज बरकरार रखा है और इस फैसले पर निर्भया के माता पिता ने कहा है कि आज निर्भया को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्भया कांड को सदमे की सुनामी की तरह बताया सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि इस बर्बरता के लिए माफी नहीं दी जा सकती, कोई रियायत नहीं दी जाएगी, कठोर सजा मिलेगी तभी समाज में भरोसा पैदा होगा। और आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस का इस पूरे फैसले पर क्या कुछ कहना है। तीन जुडिशियल स्क्रूटनीज हो चुकी हैं, पहले सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट डबल बेंच एंड नाउ दिस। सो किस तरह के एविडेंस आपने कोर्ट में रखे थे? वेरी साइंटिफिक एविडेंस एंड वी वर्कड वेरी हार्ड टू कलेक्ट इवन द माइन्यूटेस्ट एविडेंस व्हिच वी कुड कोरिलेट विद द क्राइम, क्रिमिनल सीन ऑफ क्राइम एंड एवरीबॉडी एल्स। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट एंड हमारा केस साइंटिफिक एविडेंस पे बहुत बेस्ड है, सो आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड। तो दिल्ली पुलिस ने ही इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी और इसके लिए फांसी की मांग भी दिल्ली पुलिस की तरफ से ही की गई थी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्भया के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई है, फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है और कोर्ट ने कहा है कि जो बर्बरता निर्भया के साथ की गई वो इस तरह की थी कि किसी तरह की कोई रियायत इन गुनहगारों को नहीं दी जा सकती और इनकी फांसी की सजा बरकरार रहेगी। और आइए अब आपको सुनाते हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक का इस पर क्या कुछ कहना है। नल इन्वेस्टिगेटिव एक्यूमेन के लिए आज ये एक इम्पॉर्टेंट दिन है और जो हमारा स्टैंड है वो और जो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव एफर्ट है वो पूरी तरह से 100% अपहेल्ड हुआ है और मैं समझता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से इसका एक डेमोंस्ट्रेटिव इफेक्ट समाज में जाएगा और इस तरह की जो अपराध है वो शायद कोई भी इसकी ये सोच भी नहीं सकेगा कि इस तरह का अपराध करने की मंशा मन में आए और इसका एक दूरगामी सोशल ऑर्डरलीनेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा।
तो दिल्ली पुलिस का भी यह कहना कि फांसी की सजा जो बरकरार रखी गई है उसका वो स्वागत करती है। दिल्ली पुलिस ने की थी फांसी की मांग निर्भया के गुनहगारों के लिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि वरिष्ठ वकील इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। 10 to 15 years, but it's a this judgment will create the fear of law in the mind of people who think they can get away with anything. They will realize that the arm of law is very long and it is not possible always to get away. And when there is such a widespread anger of the society, the investigation had to be correct. And this judgment is most welcome, and I think that it will instill greater fear in the minds of perpetrators of various crimes. Sir, judges also said that. तो कानून का डर इससे पैदा होगा, केटीएस तुलसी वरिष्ठ वकील ने कहा। फिलहाल आपको एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट रूम में, आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ने यह कहा गया कि इस बर्बरता के लिए माफी नहीं दी जा सकती। निर्भया कांड सदमे की सुनामी की तरह है, कठोर सजा मिलेगी तभी समाज में भरोसा पैदा होगा। यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कठोर सजा मिलेगी तभी समाज में भरोसा पैदा होगा। बर्बरता इस तरह की थी कि रियायत नहीं दी जा सकती। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि निर्भया के पिताजी का इस फैसले के बाद क्या कुछ कहना है। इस फैसले को मैं बहुत अहम ले रहा हूँ कि यह फैसला हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। और जिस तरह से ये घटना भी एक अजीबोगरीब थी, वैसे ही ये फैसला भी एक बहुत बड़ा। सर थैंक यू। सर तो आप इस फैसले के बाद खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं, हम भी खुश हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी खुश हैं। तो बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कहना निर्भया के पिता बद्रीनाथ का, जिन्होंने कहा कि वो संतुष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से। न सिर्फ निर्भया और उनको न्याय मिला है बल्कि पूरे समाज को इस फैसले से न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बर्बरता की गई, जो हैवानियत की गई निर्भया के साथ, उसको देखते हुए किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जा सकती, माफी नहीं दी जा सकती। और कठोर फैसला होगा तभी समाज में एक संदेश जाएगा और इसी वजह से इनकी फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने आज बरकरार रखा है। निर्भया केस में क्या कुछ हुआ था, आइए आपको बताते हैं। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ चलती बस में गैंगरेप हुआ और रेप के दौरान निर्भया से बर्बरता की गई, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। बल्कि निर्भया का जो उनकी शहादत थी, जो उनकी कुर्बानी थी, वो जाया नहीं गई। और अब भारत की महिलाएं अपने आप को और सुरक्षित, बेहतर सुरक्षित समझेंगी। और जो लोग विकृत मानसिकता के हैं, जो अपराध करते हैं और सोचते हैं कि कानून के गलियारे से हम निकल जाएंगे, उनके लिए सबक है। और आशा करती हूं कि अब उन लोगों का या उनके द्वारा अपराध कम होगा और हमारे न्यायपालिका अगर ऐसी चुस्त रहे और न्याय प्रक्रिया थोड़ी तेज गति से चल जाए तो कानून का जो माहौल है वो कभी नहीं बिगड़ेगा। और हम बहुत प्रसन्न हैं, बधाई देते हैं सर्वोच्च न्यायालय को कि उन्होंने इतना बोल्ड जजमेंट दिया, सही जजमेंट दिया, राष्ट्रहित में और महिला हित में है। हम ये कह सकते हैं आज निर्भया के जो आत्मा है या उसके पेरेंट्स हैं, आज उनको वाकई कुछ जस्टिस मिला, क्योंकि उनकी मांग बहुत लंबे समय से थी कि इनको बिल्कुल, अगर इसमें जरा भी डाइल्यूशन होता, अगर कुछ लोग छोड़ दिए जाते तो भी ये संपूर्ण न्याय ना होता। लेकिन संपूर्ण न्याय देकर न्यायपालिका ने एक संदेश दिया है कि इस प्रकार की बर्बरता, इस प्रकार की हिंसा और सम्मान किसी भी व्यक्ति का, खासतौर से बेटी का, लड़की का सम्मान जिस तरह तार तार किया गया, उसे राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। तो रीता बहुगुणा जोशी का यह कहना कि संपूर्ण न्याय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है और पूरे देश से आज प्रतिक्रियाएं आ रही हैं महिलाओं की, लड़कियों की। आइए आपको चंडीगढ़ से लड़कियां क्या कह रही हैं बताते हैं। ये ऐसा ही होना चाहिए था, उनको डेथ सेंटेंस तो मिलना ही चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी पनिशमेंट चलो उन्हें मिली है, लेकिन उनकी जो गलती थी वो भी उतनी ही बड़ी थी, उसके सामने तो उनको पनिशमेंट कुछ भी नहीं मिली है। सर डेथ सेंटेंस कंटिन्यू रहना चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर आके कोई ज़रूरत नहीं है उनको बाहर आने की, वो अंदर ही रहें तो ज़्यादा सही है, सेफ रहेगा गर्ल्स के लिए। हाँ हो सकता है कि इससे एटलीस्ट जो आगे जो फ्यूचर में अगर कोई करने का सोचे भी तो उसके एक पता हो कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उनको क्या क्या उन लोगों के लिए डिसीजन क्या लिया जाएगा, क्या उनको उसके लिए पनिशमेंट क्या मिली जाएगी।
और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि नागपुर में किस तरह की प्रतिक्रिया आई है इस फैसले के बाद। घटी हुई घटना है जिसके बाद पूरा देश सहमे में था। उसके बाद सब लोगों ने न्याय व्यवस्था की तरफ एक आस लगाए रखी थी कि न्याय व्यवस्था इस पर क्या निर्णय लेती है। ये बहुत अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है, जिसकी वजह से जो कोई भी इंसान इसके पश्चात ऐसा दुर्व्यवहार और दुराचार करने की सोचेगा भी, तो उसको ये एक अच्छा कड़ा जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इसके आगे ऐसा कदम उठाने से पहले वो जरूर दूसरी बार सोचेगा। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है निर्भया मामले में, फांसी बरकरार रखी है। 16 दिसंबर 2012 ये दिन बहुत ही, मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि देश में ऐसे दरिंदे भी हैं। और 16 दिसंबर 2012 को जो भी ये कांड हुआ उसके बाद में पूरे मतलब देश के लोग को अर्थ मतलब देश के लोगों को सरकार और कानून के ऊपर से जो ट्रस्ट था वो उठ चुका था। बाद में आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि निर्भया हत्याकांड के जितने भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो रही है, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इस फैसले से आगे लोगों को सबक मिलेगा कि ऐसा कुछ करने से पहले और भी मतलब सबक मिलेगा कि और भी सरकार मतलब मजबूत और कड़ा निर्णय लेंगी। आज तो फांसी का सजा है, आगे चल के बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू। निर्भया मामले में जो फांसी की सजा है वो बरकरार रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, कैसा देखते हैं? ये जो फैसला आया है ये बहुत अच्छा आया है। अभी तक न्याय व्यवस्था के ऊपर बहुत शंकाएं आती थी, हमेशा लड़कियों को ही कटघरे में रखा जाता था, लेकिन अभी ये निर्णय आने के बाद न्याय व्यवस्था के ऊपर जो विश्वास है लोगों का वो और बढ़ जाएगा और बरकरार रहेगा। एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है निर्भया मामले में, फांसी बरकरार रखी है, कैसा देखते हैं? ये अच्छा, ये फैसला मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, क्योंकि ये घटना अपनी राजधानी दिल्ली में हुई है तो ये होना तो चाहिए ही था, क्योंकि अभी जब अभी दिल्ली में हुआ है तो हो सकता है बाकी इलाके में भी हो, तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि उनको फांसी दी ताकि इसके आगे ये सब ना हो। निर्भया मामले में फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, फांसी बरकरार रखी, कैसा देखते हैं? आज बहुत अच्छा लगा है ये सुनकर कि निर्भया कांड का हत्याकांड का जो ये केस हुआ है उसके बाद इसके लिए जो फैसला सजा सुनाई गई है वो बहुत अच्छी है, और ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि इससे बाकी लड़के भी सबक सीख ले कि कल चल के अगर वो कल लड़कियों पे अत्याचार करते हैं तो उनके लिए भी यही सजा बरकरार रखे। अरे मैं भैया सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ, और जो भी फैसला आया है सबके लिए आया है, सबको इंसाफ मिला है। आप सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट से निकलते हुए वो सबका धन्यवाद देते हुए, और उन्होंने एबीपी न्यूज से कुछ देर पहले ये कहा था कि आज उनकी बेटी को ही नहीं देश की हर बेटी को इंसाफ मिला है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो खुश हैं। आपको बताते निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा था, लोग सड़कों पर उतर आए थे इस मांग के साथ कि निर्भया को इंसाफ मिले, और आज इस फैसले की देश भर में तारीफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है और पूरा देश आज इसका समर्थन कर रहा है। अलग अलग शहरों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। निर्भया के माता पिता ने भी ये कहा है कि वो इस फैसले से संतुष्ट हैं। इंसाफ मिला है। तो निर्भया की माता जी का ये कहना कि वो आज के इस फैसले से संतुष्ट हैं, और ना सिर्फ उनकी बेटी को बल्कि पूरे समाज को न्याय मिला है, देश की हर बेटी को न्याय मिला है, देर से ही सही लेकिन न्याय उन्हें मिल गया है, और अब वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निर्भया के गुनहगारों को फांसी हो। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं। इस बर्बरता के लिए माफी नहीं दी जा सकती, कोर्ट ने कहा। निर्भया कांड सदमे की सुनामी की तरह है, सदमे की सुनामी, इसे कोर्ट ने बताया। कठोर सजा मिलेगी तभी समाज में भरोसा पैदा होगा, ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कठोर सजा मिलेगी तभी समाज में भरोसा पैदा होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह की दरिंदगी की गई, जिस तरह की बर्बरता की गई, उसके बाद किसी तरह की रियायत का कोई सवाल ही नहीं उठता, किसी तरह की लीनियंसी कोर्ट की तरफ से नहीं दिखाई जा सकती, और इसी वजह से निर्भया के गुनहगारों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने आज बरकरार रखा है। 16 दिसंबर 2012 की यह घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, निर्भया के चार गुनहगार जिन्हें आज फांसी की सजा
कोर्ट की तरफ से बरकरार रखी गई है। ये जो आज फैसला आया है इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई आप लोग, फैसला आया है तो हम तो खुश हैं, आप लोग भी तो खुश रहिए। नहीं तो ये बताइए, आप लोग लगातार जो है कोर्ट में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन आज चार साढ़े चार साल बाद इंसाफ मिला हम लोगों को? हमको भी इंसाफ मिला, बेटी को भी मिला, पूरे समाज को इंसाफ मिला है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है ये पूरे देश के लिए लिया है। एक लंबी लड़ाई रही है चार साढ़े चार साल आप लोग? हाँ लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन हम इसे हारे नहीं हैं और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। हालांकि अभी जो है ये अंतिम, क्योंकि अभी उसके पास विकल्प है, आरोपियों के पास में विकल्प है अभी भी। वो जब तक जिंदा रहेंगे वो तब तक विकल्प रहेगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों को इंसाफ मिला है, निर्भया को इंसाफ मिला? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है निर्भया के पिता, जो कि जो चार साढ़े चार साल की लड़ाई के बाद उनका यही कहना है कि उनको इंसाफ मिला है और ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे निर्भया के माता पिता, और जब तक फांसी नहीं हो जाती वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट की तरफ से आज इंसाफ मिला है, देर से ही सही, लेकिन वो इस फैसले से संतुष्ट हैं, और आज सिर्फ निर्भया को ही नहीं बल्कि देश की हर बेटी को, हर लड़की को आज इंसाफ मिला है, पूरे समाज को आज न्याय मिला है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। इसे बड़ा फैसला बताया निर्भया के पिता ने, शुक्रिया अदा किया मीडिया का और कोर्ट का, और ये कहा कि निर्भया के गुनहगारों को जो फांसी हुई है वो पूरे समाज को न्याय मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है, और ये कहा कि जो बर्बरता निर्भया के साथ की गई चलती बस में, उसको देखकर कोई रियायत नहीं दी जा सकती, माफी की कोई गुंजाइश नहीं बनती। 2:03 पर आज सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही शुरू हुई और जजों ने फैसला पढ़ना शुरू किया। जज ने कहा निर्भया कांड सदमे की सुनामी है। जज ने कहा गुनाह ऐसा कि माफी की गुंजाइश नहीं, जो बर्बरता की गई उसे देखते हुए माफी की कोई गुंजाइश नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, जज ने कहा कि कठोर सजा से समाज में भरोसा पैदा होगा, और आखिरी फैसले के बाद तालियां बजी कोर्टरूम में, इसका समर्थन किया गया। December 16, 2012 को निर्भया के साथ चलती बस में गैंग रेप हुआ था। रेप के दौरान निर्भया से बर्बरता की गई, हैवानियत की गई उसके साथ, और बेहतर इलाज के लिए निर्भया को सिंगापुर ले जाया गया था। सिंगापुर में 29 दिसंबर 2012 को निर्भया की मौत हो गई थी। सिंगापुर में ही निर्भया ने अंतिम सांस ली 29 दिसंबर 2012 को। चलती बस में गैंगरेप हुआ, बर्बरता हुई, और इस केस में कुल 6 आरोपी थे, आपको बता दें, जिसमें से मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को फांसी की सजा सुनाई गई, और उस सजा को आज सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ये एक संदेश देने वाला फैसला है, फांसी की सजा बरकरार रखना, ये बहुत बड़ा फैसला है कि इसका पूरी दुनिया में जाएगा, ये सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है, जिनको फांसी की सज़ा मिलेगी, और राहत महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक संदेश है कि पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, वरना ऐसे कामों का हश्र जो है ये फांसी होगी। और महिलाओं के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए सरकार को, आयोग को जागरूकता के प्रोग्राम करने चाहिए, सिर्फ कागजों में नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब प्रैक्टिकल होगा तब महिलाएं अपने आप को सिक्योर फील करेंगी, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो पूरे देश में महिलाओं की जो हालत है, जिस तरह की दुर्दशा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। निर्भया के इतने बड़े कांड के बाद भी जो हुआ आज तक, जो जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों के और महिलाओं के, मैं समझती हूँ उसके लिए हम सबको मिलके, राजनीति ना करके, इस पे बहुत बड़े बड़े काम करने चाहिए, ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और निर्भया को जो न्याय मिला है उसके लिए हम सब महिलाएं मिलके और कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। शर्मा महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, और ये उस वक्त महिला आयोग की अध्यक्ष थी जब निर्भया कांड हुआ था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, पूरा देश गुस्से में भर गया था, लोग सड़कों पर उतर आए थे इस मांग के साथ कि निर्भया को न्याय मिले। और आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों को जो फांसी की सजा हुई थी उसे बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बर्बरता थी वो इस तरह की थी कि माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। गणतंत्र हो गया है जहां हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, लेकिन बहनें, माएं अभी भी सड़कों पे महफूज नहीं है,
सुरक्षित नहीं महसूस करती है। मैं समझता हूँ इस फैसले के बाद निर्भया ने अपना काम कर दिया, एक संदेश छोड़ के गई थी और मुल्क ने, रूल ऑफ लॉ ने उसको एक परिणति तक लेके आ गया। तो आप सुन रहे थे अलग अलग प्रतिक्रियाएं, लगातार हम आपको सुना रहे हैं, पूरे देश में इसका स्वागत हो रहा है, इसका समर्थन हो रहा है, क्योंकि जब ये कांड हुआ था पूरा देश इससे गुस्से में भर गया था। आपको बता दें क्या कुछ हुआ था इस कांड में। निर्भया को बेहतर इलाज के लिए बर्बरता के बाद सिंगापुर ले जाया गया था और वहीं निर्भया ने अंतिम सांस ली। सुप्रीम कोर्ट के तहत इस बार गया है, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देती हूँ कि महिलाओं के साथ छेड़छानी, ये तो बहुत गंभीर तरह का ऑफेंस था, रेप का, गैंग रेप का, लेकिन ये बिल्कुल किसी को परमिटेड नहीं है, और अगर होगा तो इस तरह का ही नतीजा उस व्यक्ति का होगा। नहीं तो ये हो रहा था कि आज क्राइम हो गया, 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, तब तक कौन सा क्राइम था, क्या था, सब पूरे समाज भूल जाता था, और उसके बाद होगा कि नाउ ही हैज ऑलरेडी स्पेंट 10 साल जेल में बिता दिया, इसीलिए ठीक है अभी अक्विट, बाकी बैलेंस समय वो नहीं बिताएगा। ये बिल्कुल गलत था। इसकी वजह से लोगों को लॉ का भय नहीं था, कानून का भय नहीं था। कानून जो कहते हैं अंग्रेजी में, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन, तो सीन टू बी डन तो कुछ होता ही नहीं था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का ये कड़क निर्णय और ठोस निर्णय अपना दिया है, कानून का भय पैदा होगा इस केस के बाद, इस फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है, आपको बता दें क्या कुछ हुआ था निर्भया कांड में। निर्भया के कुल 6 गुनहगार थे, जिसमें से एक नाबालिग है जो कि बाहर आ चुका है, एक की मौत हो गई है और 4 को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज बरकरार रखा है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।